कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक लेके आई हूँ नया व्लॉग। तो फ्रेंड्स ये देखो, मैंने चने भिगोए हुए थे पहले ही, तो इसको धो लिया मैंने। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चूल्हे पे चने बनाऊंगी। ये देखो हांडी में बनाऊंगी वो भी। तो ये देखे मेरी वीडियो, अब आज व्लॉग आज का न्यू। तो इसमें चने लिए मैंने, अब डाल लूंगी सारे। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे चने इसमें डाल दिए। तो पानी अपनी मर्जी के मुताबिक आप डाल सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ही डालूंगी ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हल्का सा मैं इसमें नमक डाल दूंगी। और फ्रेंड्स ये हल्का सा मैं मीठा सोडा डालूंगी इसमें, क्योंकि इतने टाइम नहीं लगेगा ना, बिल्कुल चुटकी भर डालती हूँ तो थोड़े जल्दी उबल जाए। तो नमक तो थोड़ा डालूंगी मैं, मसाले में डालूंगी ना नमक को। तो ये लिए मैंने, ये लहसुन मैंने काट लिया, ये प्याज लेके आई, अभी प्याज काटूंगी। तो अदरक वगैरह फिर मैं आपको दिखाती हूँ मसाला, और चूल्हे पे रखती हूँ फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको। तो ये चूल्हे में जला दी हमने आग। तो हेमा जी मुझसे पूछ रही थी वीडियो में कि दीदी आपने आग कैसे जलाई। मैं ऐसे कागज से जला देती हूँ, आजकल गर्मी होती है ना तो इसलिए। तो फ्रेंड्स देखो चूल्हे में ऐसे जला देते हैं हम आग, छोटी छोटी लकड़ी लगा देंगे तो जल्दी से आग पकड़ लेती है ना। तो चूल्हे पे बनाई चीज़ तो जब धीरे धीरे बनती है तो बहुत टेस्टी बनती है, और सच में बहुत अच्छी भी होती है हमारे लिए। गैस वैस में तो गलती रहती है, आराम से नुकसान ही देती है वो चीज़ें। कुकर में लगवाते हैं सब सीटियाँ आजकल, तो हमें चूल्हे की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब इसके ऊपर रख देंगे हम छोले उबलने के लिए। तो देखो कितनी अच्छी आग बल गई है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो फ्रेंड्स मैंने कर लिया प्याज लहसुन टमाटर तो हरी मिर्चें। ये देखो ये है हरी मिर्ची और लहसुन। तो मैंने सोचा चलो लहसुन भी डाला है तो अदरक ना थोड़ा कम ही डालूं, कि गर्मी बहुत है ना आजकल। तो इसको पहले वॉश कर लूं। मैंने काट लिया, देखो ये प्याज है टमाटर है हरी मिर्ची और अदरक। मैं धोती हूँ पहले इसको। तो मैंने सोचा आज प्याज, भाई प्याज कैसा है देख लूँ पहले, टमाटर को मैं कहीं काना वाना तो नहीं है। देखो चलो ये पहले पीस लूँगी ना मैं, ताकि थोड़े हार्ड होता है ना अदरक। ये चटनी के लिए तैयार करती हूँ, थोड़े प्याज वगैरह दो तीन। और चटनी सच में बहुत टेस्टी लगती है, आप भी बनाना फ्रेंड्स, अदरक लहसुन और प्याज की चटनी खा के देखना, बहुत टेस्टी लगती है। परौंठी के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इतनी भी बनाऊँगी, बहुत है। तो ये मसाला मेरा उसमें काम आएगा, छोले उबल जाएंगे। छोले उबलने में ना थोड़ा चूल्हे पे टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने जल्दी ही धर दिए थे 5 बजे। तो सोचा आराम से करूँगी, तो गर्मी इतनी हो रखी आज बहुत ज़्यादा।
आजकल तो मिर्ची बहुत तीखी आने लग गई है। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पहले मैंने इसलिए बनाया ताकि थोड़ी हार्ड होता है ना अदरक, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अब धीरे धीरे सारा मसाला पीसूंगा, थोड़ा थोड़ा करके ही कूटूंगी ना, क्योंकि ये छोटी है, कुंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। अब मसाला हो गया ये भी, आएंगे दूसरे लास्ट मसाला रह गया, टमाटर तो बाद में कर लूंगी मैं। अंधेरा भी होने लग गया बहुत जल्दी से, मसाला करने तैयार। अब टमाटर रह गए बस, टमाटर तो अगर हम चाहें ना तो ऐसे भी डाल देंगे तब भी गल जाते हैं जल्दी, तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो टमाटर कर सकते हो, मैं सोच रही हूँ कर ही लूँ, ये तो जल्दी हो जाएंगे। टमाटर का भी पेस्ट तैयार हो गया, अब टमाटर सोच लूँ साइड में निकाल लूँ, तो मैं चटनी बनानी है मैंने, इधर दर से रख लिया तो ही जाएंगे। तो ये मैं चटनी कूटूँगी और ये मैं आराम से कूटूँगी थोड़ी देर में, मुझे नहीं अभी कूटनी। ये चटनी पीस ही लेती हूँ मैं, दो मिर्ची डाली है, आजकल मिर्ची बहुत ज़्यादा चिरचिरी आ रही है तो सोचा मैंने चलो बना ही देती, लगे हाथ काम नहीं मर जाएगा, थोड़ा नमक डाल लूँ। तो फ्रेंड्स है ना, अमचूर भी डाल लेते हैं हम, तो वैसे मैं इमली लेके आई हुई हूँ, ये देखो बिना गिटक के इमली है मेरे पास, तो इमली डाल देती हूँ थोड़ी सी, तो इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा, खट्टी मीठी सी चटनी हो जाएगी। तो हमारी मम्मी और सब ये ऐसे ही बनाते थे पहले, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है चूल्हे में बनाना, तो सच में चीज़ टेस्टी भी बहुत बनती है, और ऐसे चटनी वगैरह खाना सच में आप भी बना के देखना फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आएगा खाने में। चटनी हो गई तैयार, और देखना ये चटनी फ्रेंड्स आप भी बना के खा के सच में देखना, बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी लगती है। चाहे आप चाहो अनारदाना भी डालते हैं, कहीं अमचूर भी डाल देते हैं, तो ये नहीं है कि ज़रूरी मैंने इमली डाली है तो आप भी इमली डालें, इमली से खट्टी मीठी सी हो जाती है। अगर चाहो तो आप दो तीन दाने चीनी के भी डाल सकते हो, उससे लग सा ही टेस्ट बदल जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स ये देखो चटनी भी हो गई है तैयार, अब इसको तो मैं सोच रही हूँ बाद में ही निकाल लूँ, या निकाल के ही रख दूँ। गर्मी ने तो हद कर दी आज, हमारे यहाँ तो बरसात होने का नाम ही नहीं ले रही। तो फ्रेंड्स मैंने अब रख ली है चूल्हे पे कढ़ाई, इसमें लगाएंगे हम तड़का, तो तेल डाल लूँगी मैं अपनी इच्छा अनुसार,
कई लोग तो कम खाते हैं, कई ज़्यादा खाते हैं, अपने आप मर्जी के मुताबिक डाल सकते हो। तो इसको जलने दें पहले तेल को। अब तेल हो गया हमारा गरम, तो फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे लहसुन प्याज, इधर सब पेस्ट है वो हमने सारा इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। भूनने के बाद ना फ्रेंड्स हम इसे सब डाल लेंगे टमाटर का पेस्ट लास्ट में डालेंगे। ये है लास्ट फिर डालेंगे इसको। तो फ्रेंड्स अब भूनने लग गया है मसाला, अब थोड़ा थोड़ा तो ये देखो फ्रेंड्स अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, क्योंकि पहले मैंने ना थोड़ा नमक डाला था। तो ये है धनिया और ये है गरम मसाला, लाल मिर्च, तो सब कुछ इसमें अपने टेस्ट अनुसार आप पा लो। तो इसके बाद मैं देखती हूँ इसका, ये टमाटर डालूंगी इसमें। हल्दी थोड़ी कम लग रही है मुझको, थोड़ा सा पानी डाल ले। तो ये इसमें डाला मैंने पेस्ट टमाटर का। तो अब अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं फ्रेंड्स। तो फिर अब मैं दिखाती हूँ आपको बाद में मसाला भूनने के बाद। देखो अब मसाला घी छोड़ गया, तो समझो हमारा मसाला तैयार हो गया। अभी हम इसको छोलने में डाल लेंगे। तो फिर दिखाती हूँ फ्रेंड्स हमारे भुने हुए चने, मतलब उबले हुए, सॉरी मेरी गलती को अवॉइड करना। बस मसाला तैयार, अब हम इसको डाल लेंगे उबले हुए चनों में। ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना, अपने आप ही घी छोड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब हमारे चने उबले या नहीं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ना हम ऐसे करके, हाँ उबल गए हैं ना अच्छी तरह। अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। ये फ्रेंड्स ये देखो मेरा मसाला भुना हुआ था ना जो, तो इसमें मैं डाल दूंगी। तो अब अच्छी तरह से रल जाएंगे। चाहो तो आप कढ़ाई में भी निकाल लो, मैंने सोचा चलो थोड़े से और बन जाए तो उतने को मैं आटा वगैरह गूंद लूंगी, चावल वगैरह तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो गया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो ये देखो फ्रेंड्स ये हमने मसाला रला दिया, अच्छी तरह से बनेंगे। तो बाद में दिखाती हूँ आपको रोटी चावल के साथ। आज जाओ फ्रेंड आप भी खाओ। तो अब देखो वगैरह गूंदूंगी मैं, तो ये बनते रहेंगे तब तक। यहाँ पर हो चुका है चूल्हे पे अंधेरा, तो अभी मैं जाऊँगी रसोई में, तो वहीं बनानी पड़ेगी आज तो मुझे रोटी फ्रेंड्स। तो ये भी दिखाऊंगी मैं चूल्हे पे भी रोटी बना लेती हूँ, तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर फ्रेंड्स। तंदूर पे भी आती है मुझे, चूल्हे पे भी आती है बनानी। रोहन कौन तेरा दोस्त बेटे? ओके क्या बनना आज? कढ़ी चावल? अच्छा जी, फिर आपा भी छोले ही बनाए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आटा लिया, अब गूंद रही हूँ। तो निशान सिंह मेरे जा रहे हैं जगराते पे आज।
बस। ये रखे हैं मैंने अब चावल, तो अब चावल बनेंगे, जब तक तब तक मैं बनाती हूँ फुलके। सब फुलके हो गए मेरे तैयार फ्रेंड्स, चावल भी बन गए हैं, ये चावल भी बनने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, ये भी अब सूखने लग गए हैं, तो कम कर देती हूँ गैस को। तो ये फुलके बन गए हैं हमारे फ्रेंड्स। ईशान फुलके हो गए हमारे तैयार फ्रेंड्स, चावल हमारे देखो, चावल देखो अपने, चावल चावल भी बन गए हैं, थोड़ा कड़छी मार दो चावलों में, तो हमारे तो बहुत कम चावल खाते हैं इसलिए हमने थोड़े से बनाए हैं फ्रेंड्स। तो हमारे घर में ना एक साउथ से आई हुई है अमृत था, तो वो बहुत चावल खाती है, तो उसी के लिए ज़्यादातर होते हैं, आपको एक दिन उसकी भी दिखाऊंगी वीडियो बना के, तो कितना चावल खाती है वो, मेरे से 4 गुना ज़्यादा ही खाती होगी। तो फ्रेंड्स ये भी हो गया मेरे फुलके तैयार, बस थोड़े ही 5-6 फुलके बनाने हैं मुझे। तो हो गए हैं हमारे देखो ये छोले तैयार, दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये हम अपने डैडी जी को देंगे खाना, हमारे बुजुर्गों को, तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट भी होगा, तो आप भी बना के देखना कभी। डैडी जी को दूंगी, डैडी जी बहुत कम रोटी खाते हैं हमारे, तो थोड़े से चावल तैयार हो चुके हैं हमारे, तो उनको भी थोड़े से दे देती हूँ, वो भी खा लेंगे। तो आ जाओ फ्रेंड्स आप भी खा लो, तो बताना फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी, आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू बहुत सारा फ्रेंड्स आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट अगले व्लॉग में, नया व्लॉग देखो कैसे लेके आती हूँ, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।